वेलकम टू LMP सेवाज अकेडमी। चलिए आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर ए पॉलिनोमियल का है और क्लास हमारी 10th का है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉफिशियंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू एक गिवन पॉइंट पे। ठीक है, तो आज की हमारी जो चर्चा है वो है कॉफिशियंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि कॉफिशियंट्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए, कॉफिशियंट में क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल लेके बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कोई भी। अब पॉलिनोमियल की बात करी तो वो पॉलिनोमियल कोई भी हो सकती है आपकी, वो लीनियर पॉलिनोमियल भी हो सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकती है, एंड ऑल्सो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकती है। चलिए तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, मान लीजिए मेरा कोई एक पॉलिनोमियल है और मैं पूछता हूँ। देखो कॉफिशियंट आपको निकालना कैसे, मैं बताता हूँ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बताइए, एक्स का कॉफिशियंट बताइए और सी से कांस्टेंट बताइए। क्या बताइए? कांस्टेंट बताइए। इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट क्या है, एक्स का कॉफिशियंट क्या है और यहाँ पर कांस्टेंट क्या है। देखिए सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर का मुझे कॉफिशियंट निकालना है, क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर का मुझे कॉफिशियंट निकालना है, तो मैं एक्स स्क्वायर को छुपा लूँगा। देखो एक्स स्क्वायर को छुपा लो, जो उसके आगे लगा हुआ है, देखो इसके आगे कुछ नहीं लगा तो क्या लगा हुआ, वन तो लगा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1x2, और कोई साइन नहीं होता वहाँ पर, कौन सा साइन होता है, प्लस का, दैट इज़ प्लस 1x2 लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर को छुपाने के बाद उसके आगे जो विद प्रॉपर साइन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि विद प्रॉपर साइन हमें बताना है। तो एक्स स्क्वायर को मैंने छुपा लिया तो आपको क्या दिख रहा है, प्लस 1 दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉफिशियंट हो जाएगा सीधे सीधे प्लस 1। तो बहुत हल हुआ काम है। अगर मैं कहूँ एक्स का कॉफिशियंट बताइए आप, तो आप एक्स को छुपा लीजिए, एक्स के आगे क्या लिखा हुआ, 4, सिंपल 4 नहीं, उसका साइन भी देखना है, हाँ तो माइनस 4, क्या हो गया, माइनस 4। अब मैंने बात करी कांस्टेंट की, तो यहाँ पर देखिए इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट कौन है, जिसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड है, इसकी भी वैल्यू फिक्स नहीं है क्योंकि ये भी एक्स पे डिपेंड, इसकी वैल्यू फिक्स है, ये माइनस 3 मेरा फिक्स्ड है, कुछ भी हो जाए लेकिन ये माइनस 3 तो माइनस 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है मेरा, माइनस 3 है। तो आप लोगों को कॉफिशियंट्स ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लोग माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 5। चलिए मैं कह रहा हूँ आपसे यहाँ पर एक्स क्यूब का कॉफिशियंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट बताइए, एक्स का कॉफिशियंट बताइए और कांस्टेंट की वैल्यू बताइए। तो आप एक मिनट के लिए स्क्रीन को पॉज करके सोच करके देख सकते हैं। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा, अब मैं आंसर मैच कराता हूँ। देखिए एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को छुपा लेना, क्या दिख रहा है, 2 नहीं माइनस 2, हाँ बिल्कुल सही, प्रॉपर साइन के साथ कितना है, माइनस 2, तो ये आ गया माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है, प्लस 3, वेरी गुड। अब एक्स को छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है, माइनस 4, वेरी गुड। अब कॉन्स्टेंट जो लास्ट में बचा हुआ आपका जो फिक्स्ड है वो कितना है, प्लस 5। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ऐसे लल्लू लल्लू टाइप आने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने ले लिया मान लीजिए 4x² माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस 4x³ प्लस 5। मैं बोलता हूँ आपसे यहाँ पर x का 4 का कॉफिशियंट बताइए, x की पावर 3 का कॉफिशियंट बताइए और x की पावर 2 का कॉफिशियंट बताइए और कांस्टेंट बताइए। तो देखो x की पावर 4 एक ही जगह छुपा लिया, क्या दिख रहा है, प्लस 4, ठीक है। अब x की पावर 3, देखिए दो जगह x की पावर, इधर भी है इधर भी, तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इस वाले को छुपा लिया तो भैया माइनस 2 और इस वाले को छुपा लिया तो माइनस 4। याद करिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व, क्योंकि दो लाइक टर्म अलग अलग बैठी हुई हैं तो आप इनको क्या कर दीजिए, चिपका दीजिए, मतलब ऐड कर दीजिए।
हाँ, तो ऐड करने के बाद जो आएगा एक रिजल्ट, हम लोगों को तब तक लेना होता है जब तक अनलाइक टर्म्स ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर लाइक टर्म तो बैठी हुई, तो पहले इन दोनों को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल टर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना हो जाएगा 426, दैट इज़ 6x³। लेकिन साइन बड़े वाले का क्या है, 4 का माइनस, तो माइनस, दैट इज़ इन दोनों के सम अप के बदले क्या आएगा, माइनस 6x³। तो अब फाइनली अब कोई x³ तो बचा नहीं, अब आप फाइनली x³ को छुपा लीजिए। देखिए आपको क्या दिख रहा है, माइनस 6, तो यहाँ पर x³ का कोफिशियंट क्या हो गया, माइनस 6। अब बात आती है x² का, देखिए x² सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको छुपा लीजिए, क्या दिख रहा है, प्लस 3, कॉन्स्टेंट आपका प्लस 5। तो ये था हमारा कोफिशियंट्स ऑफ अ पॉलीनोमियल, जिसको हम लोगों ने बड़े ही अच्छे से देखा। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल LMP सेवाज अकेडमी, जिसमें आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और आप अगर हमारे फेसबुक पेज, ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इसको वॉच कर रहे हैं, तो कृपया करके उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।